पैर दबवाने के बहाने ससुर करता था अश्लील हरकत, नवविवाहिता बहू के मना करने पर उतारा उसको मौत के घाट। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक ससुर ने अपनी नवविवाहिता बहू को मौत के घाट उतरवा दिया? इस घटना की सच्चाई पूरी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है पलवल के किटवाड़ी गांव के एक बसे हुए कॉलोनी के इलाके की। दोस्तों, किटवाड़ी गांव के पास कुछ कॉलोनियां बसी हुई हैं, वहीं पर यह घटना घटती है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक जो नवविवाहिता बहू होती है, जिसकी शादी अभी अभी यानी कि 7 फरवरी 2022 को हुई है और उसकी अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, और उसको अपनी ज़िंदगी से रुसवा होना पड़ जाता है एक छोटा सा विरोध करने की वजह से। दोस्तों, रजनी के ससुर का नाम है मोहन सिंह और उसके पति का नाम है ग्रीटिंग। यह जो घटना है, यह सूत्रों के हवाले से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। दोस्तों, उसका ससुर मोहन सिंह है, वह मथुरा का रहने वाला है, यानी कि उसकी जो सारी फैमिली है जहां पर वो ब्याह कर आई है वो मथुरा की रहने वाली है, और किटवाड़ी के पास में जो कुछ कॉलोनियाँ कटी हुई हैं वहाँ पर आकर उसका ससुर रहने लगता है क्योंकि उसका ससुर मोहन सिंह आर्मी से रिटायर है, और आर्मी से जैसे रिटायर होता है तो उसको पैसे मिलते हैं और उन पैसों की कुछ ज़मीन खरीद कर वहीं पर घर बनाकर रहने लगता है। दोस्तों, मोहन सिंह का जो लड़का होता है ग्रीटिंग, उसकी पहले शादी हो जाती है। पहले जब शादी होती है तो पत्नी घर पर आती है और उस पत्नी से ग्रीटिंग की और उन सारे घर वालों की अनबन हो जाती है, और फिर उस पत्नी के जो मायके वाले हैं, घर वाले हैं, वो अपनी बेटी को तलाक दिलवा कर ले जाते हैं, तलाक दिलवाना ही बेहतर समझते हैं। अब दोस्तों, ग्रीटिंग की पत्नी वापस जा चुकी है तलाक लेकर। अब उसके घर वाले उसकी दूसरी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। तभी उनको एक लड़की नज़र आ जाती है। जो लड़की रहने वाली है नौझील बाजने के पास एक गांव की रहने वाली है, उस लड़की का नाम होता है रजनी। अब उससे ग्रीटिंग की सगाई तय कर दी जाती है। दोस्तों, सगाई तय कर दी जाती है और 7 फरवरी 2022 को उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। अब जो रजनी होती है वह अपने मायके से अपने ससुराल आती है दुल्हन बनकर, ग्रीटिंग की दुल्हन बनकर। अब दोस्तों, वह अपने ससुराल में दुल्हन बनकर आ जाती है और वहाँ आकर उसको लगता है कि मुझे सारे जहाँ की खुशियाँ मिल गई हैं, अच्छा घर मिल गया है। लेकिन दोस्तों, होनी को कुछ और ही मंजूर था। वह बहू जिसका नाम रजनी है, वह घर के अंदर एक दो दिन रहती है, तभी तीसरा और चौथा दिन होता है, तभी उसका ससुर जिसका नाम मोहन सिंह है वह उसको पैर दबाने के लिए बुलाता है। तो रजनी भाग करके अपने ससुर जो कि पिता समान होता है उसके पैर दबाने के लिए उसके पास बैठ जाती है और उसके पैर दबाने लगती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही रजनी अपने ससुर के पैर दबा रही होती है, उसका ससुर मोहन सिंह उसके साथ गंदी हरकत कर देता है, और गंदी हरकत को देखकर रजनी चकाचौंध हो जाती है और वह परेशान हो जाती है, एकदम से खड़ी हो जाती है। खड़ी होकर के वह अपनी सास से कहती है कि पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन उसकी सास उल्टा उसी को धमका देती है और उसको कहती है कि तू चुप रह, ऐसा वैसा इल्ज़ाम मत लगा। दोस्तों, उसके बाद वह अपने पति से भी कहती है, लेकिन उसका पति भी उसको बातों ही बातों में टाल देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तेरे देखने में ही फ़र्क होगा। फिर एक दो दिन और गुजरते हैं तो उसका ससुर मोहन सिंह उसको फिर से अपने पास पैर दबाने के लिए बुलाता है और फिर से उसके साथ वही गंदी हरकत कर बैठता है। जैसे दोबारा से वह उसके साथ गंदी हरकत करता है तो रजनी गुस्से से गर्म हो जाती है, वह एकदम से वहाँ से खड़ी होकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर से अपनी सासू से कहती है कि मेरे साथ तुम्हारे पति ने ऐसा किया है, और अपने पति से भी कहती है, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनते हैं। दोस्तों, उसके बाद रजनी अपने मायके फ़ोन करती है, अपने माता पिता से बात करती है, उनको सारी घटना बताती है। अब उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी हिम्मत से काम ले, हम अभी आ रहे हैं वहाँ पर तुम्हें लेने के लिए। तो उसके माता पिता वहाँ पर लेने के लिए आ जाते हैं, तो उसका पिता जो होता है वह अपने समधी से कहता है कि हम अपनी बेटी को ले जाने के लिए आए हैं, तुम उसके साथ गलत हरकत कर रहे हो। लेकिन मोहन सिंह है वो ये कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और हम अपनी बहू को अभी नहीं भेजेंगे, अभी 10 दिन यहाँ पर रहने दो, बाद में भेज देंगे। फिर रजनी का पिता ये कहता है कि देखो, रहना तो हमारी बेटी को यहीं पर है, 10 दिन बाद भेजो या अभी भेजो, रहना तो मेरी बेटी को यहीं पर है, लेकिन उसके साथ ऐसी वैसी हरकतें मत करो। मोहन सिंह कहता है कि तुम पागल हो गए हो, हम ऐसी वैसी हरकतें करेंगे उसके साथ, ये बात गलत है, हमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। दोस्तों, रजनी का पिता वहाँ से चला जाता है, लेकिन रजनी उससे चीखती हुई ये कहती रहती है, रोती हुई, कि मेरे साथ गंदी हरकत की है। लेकिन रजनी का पिता ये कहता है कि ठीक है, अब की बार और देख लेते हैं, अगर फिर से यह ऐसी हरकत करता है तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा।
फिर रजनी का पिता वहां से चला जाता है। उसके बाद दोस्तों रजनी का जो पति होता है वह इस बात से गुस्सा हो जाता है कि रजनी ने ऐसी घटना के बारे में अपने माँ बाप को क्यों बताया, आखिर हमारी बदनामी क्यों करी। दोस्तों इस बात को लेकर वह रजनी से जोर जोर से लड़ने लगता है और फिर बंदूक को निकाल कर लाता है और रजनी के ऊपर बंदूक से फायर कर देता है। देखते ही देखते रजनी तड़प तड़प कर वहीं पर गिर जाती है जमीन पर और मर जाती है थोड़ी देर में। फिर वह दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए अपने हाथ में भी गोली मार लेता है और वह अपने हाथ में जैसे गोली मारता है आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर के पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, उन दोनों घायलों को अपने कब्जे में लेती है और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। हॉस्पिटल में जाते ही जो रजनी होती है उसको डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है और जो वह लड़का होता है जिसका नाम ग्रीटिंग होता है उसके हाथ में चोट बताई जा रही है, उसका अभी इलाज चल रहा है। पुलिस वहीं हॉस्पिटल में गश्त पर है, जैसे ही वह ठीक हो जाएगा उसको अपने कब्जे में ले लेगी। और दोस्तों जो ससुर था उसको भी पुलिस अपने कब्जे में हिरासत में ले लेती है और सास को भी अपनी हिरासत में ले लेती है। जो रजनी का पिता है उसी के कहने से केस दर्ज कराया जाता है पुलिस के अंदर। रजनी का पिता का बहुत बुरी तरह से रो रो कर बुरा हाल है। उसका कहना यह है कि मेरी बेटी की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी और मेरी बेटी के साथ ये क्या कर दिया इन लोगों ने। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे ऐसी घटना के बारे में? उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है, मामला चलेगा और फिलहाल उस घर में कोई भी नहीं है। अभी 4 दिन पहले शादी का माहौल था लेकिन अब शादी का नहीं, मातम का माहौल है। तो ये छोटी छोटी नासमझी हैं जिनके ऊपर घर बर्बाद कर लिया उन लोगों ने। और आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? क्या जो ससुर था वह सही था या फिर उसका जो बेटा था ग्रीटिंग उसने सही किया या फिर जो रजनी थी वह सही कर रही थी, वह चुपचाप यह सह लेती तो ठीक था? तो आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय जरूर लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। रिश्ते एक पवित्र बंधन होता है जिनको जिंदगी भर के लिए निभाया जाता है, लेकिन कई बार रिश्ते इस तरह के जुड़ते हैं जो रिश्ते रिश्ते ना होकर के मातम में तब्दील हो जाया करते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज बनाकर लेकर आता हूँ। यह घटना पलवल इलाके के किटवाड़ी के पास जो कॉलोनियाँ कटी हुई हैं उनमें घटी है और बहुत ही निर्मम घटना है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। समाज के अंदर रहते हैं हम लोग, हमें समझदारी दिखानी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप देखते रहें तिरछी बात चैनल। जय हिंद, जय भारत।